हाई एवरी वन गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशंस अनाउंस कर दिए गए हैं अगर हम डाउन स्ट्रीम इस जगह पर यहाँ पे इस फॉर्म पेज पेज पर जाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंट्री ओपन ऑन फिफ्टीन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दट इज़ ऑलरेडी जी ऑलरेडी है Uh, जो है ओपन हो चुकी हैं इसके लिए एंट्रीज़ ठीक है अगर हम इसमें डिटेल्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में तो एलिजिबिलिटी में अगर आप uh, इनमें से कोई भी सिटीज़न लाइक इफ़ यू आर सिटीजन ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड द यू के यू कैन अप्लाई फॉर गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप अपलाइंग टू परसू वन ऑफ दी फॉलोइंग कोर्सेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पी फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम एमलेट Full -time. One year post course, फुल टाइम वन ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर आप फुल टाइम इनमें से कुछ भी के लिए आप परस्यू करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई ठीक है कुछ एक्सेप्शन हैं फॉर अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंट्री गेट्स कैम्ब्रिज इज प्लॉटिंग अ स्कीम विच अलाउज एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर फंडिंग फॉर अ पार्ट टाइम डॉक्टर डिग्री एज वेल ठीक है आप करंट स्टूडेंट जो हैं वो भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं जनरल फंडिंग एट कैम्ब्रिज ए कैम्ब्रिज वेदर और नॉट यू आर एलिजिबल फॉर अ गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप यू मे बी एलिजिबल और फॉर अदर फंडिंग ऑफर्ड बाई द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज मतलब कि अगर आप एलिजिबल नहीं होते इस्कॉलरशिप के लिए आप हो सकता है किसी और इस्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जिसमें आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएँगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ मेंशन किया गया पोस्ट ग्रेजुएट फंडिंग सर्च में आपको काफ़ी कुछ दिखाए दिखाया गया पीएचडी प्रोग्राम फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स अकॉर्डिंगली क्या क्या होगा यहाँ पे कितना आपको फंडिंग मिल सकती है क्या मिल सकता है ठीक है एनुअली कितना है सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है तो काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं काफ़ी सारे स्टूडेंटशिप्स हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पर इनको देख के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं आपको फेलोशिप मिल सकती है ठीक है आगे बात करते हैं कोर्सेस जिसके लिए जो गेट्स कैम्ब्रिज है वो कंसिडर उनको नहीं करता तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी कोई भी अगर इंडर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बी ए बी एफिलिएटेड बिजनेस डॉक्टरेट मास्टर्स ऑफ बिजनेस मास्टर्स फाइनेंस मास्ट कोर्सेज पी जी सी ई एसेकटर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनको कि गेट्स कैम्ब्रिज ये कंसिडर uh, नहीं करेंगे क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं वॉट वी आर लुकिंग फॉर अकेडेमिक एक्सेलेंस तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं रीजन्स फॉर चॉइस ऑफ कोर्स Uh, a commitment to improving the life of others, a capacity of for leadership, a note on the ratio of PhD, masters awards etc. ठीक है तो काफी कुछ यहाँ पर mention किया गया है. If you want you can read uh, this एक बार timeline के बारे में बात कर लेते हैं <coughs> तो 2023-24 के लिए एकेडमिक ईयर के लिए जो एंट्री है वो 15 सितंबर से ओपन हो चुकी हैं गेट्स कैम्ब्रिज मैनेजेस टू सिलेक्शन राउंड्स ईच ईयर फुल डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दी गई है इफ आफ्टर रीडिंग रीडिंग द डिटेल्स बिलो यूर नॉट श्योर ऑन विच राउंड इन विच राउंड यू शुड अप्लाई आप यहाँ पर अप्लाई मेल कर, uh, कर सकते हैं फॉर डिटेल्स अपनी डिटेल्स के साथ में और आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि अकॉर्डिंगली कब आपको करना है अप्लाई क्या है सब चीज़ें बता दी जाएंगी वेदर और नॉट यू आर एलिजिबल फॉर अ गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप या फिर आप कोई और फंडिंग के लिए एलिजिबल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसके मैंने बताया कि आप अगर ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आप कोई और फंडिंग के थ्रू यहाँ पर परसा पढ़ाई कर सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया ठीक है यू एस सिटीजन्स रेजिडेंट इन द यू एस एल अदर एलिजिबल एप्लीकेंस सो आप यहाँ पर ऑल अदर एलिजिबल के सेक्शंस में जाके क्या सिनारिय होगा आपका यू एस वाला सीनारी नहीं है आपका ऑल अदर एलिजिबल एप्लीकेंट्स वाला सिनारियो होगा तो एप्लीकेशनस ओपन होगा हो गई फिफ्टीन सेप्टेम्बर से हो चुके हैं डेडलाइन है फर्स्ट डिसम्बर डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स या तो फर्स्ट डिसम्बर या तो फिफ्थ ऑफ जैन डिपार्टमेंटल रैंकिंग डिसम्बर फेब्ररी ऑल एप्लीकेंट्स नेट नोटिफाइड ऑन एप्लीकेशन आउटकम थर्ड मार्च तक आपको आ, आप कर दिया जाएगा नोटिफाई रिव्यू एंड सिलेक्शन बाई दी पैनल मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में होगा स्कॉलरशिप्स ऑफर लेट मार्च स्कॉलरशिप्स एक्सेप्टेड टू आवर्स आफ्टर दी ऑफर ये जो डेट है ये कैम्ब्रिज एडमिशन ऑफिस के द्वारा दी गई हैं और ये ऑफकोर्स चेंज हो सकती हैं आप यहाँ पर इस लिंक पर जाकर और भी चीज़ें जो हैं uh, अप तो टू डेट डिटेल्स के बारे में सर्च कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया अबाउट द टाइम हाउ टू अप्लाई हाउ टू अप्लाई में जाकर देख लेते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस वॉज द यूनिवर्सिटी शॉर्ट ओवरव्यू फिल्म अबाउट अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस एंड फंडिंग एंड देन रीड बिलो अबाउट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ठीक है कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म एक रहेगा एडमिशन सेक्शन इन द सेशन यू आर अप्लाइंग टू अ स्पेसिफिक ग्रेजुएट कोर्स एंड अ कॉलेज प्लेस यू विल प्रोवाइड ऑल ऑफ दी जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पे देना है अकेडमिक बैकग्राउंड देना है प्लान स्टेबिलिटी फॉर द प्रपोज कोर्स फंडिंग सेक्शन में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं रेंज ऑफ फंडिंग्स जो भी ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे इन एप्लीकेशन फॉर्म भी आज तीन हजार से ज़्यादा शब्दों में आपको ये बताना है कि क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं इस स्कॉलरशिप के लिए और कैसे आप चार मेजर क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं फुल डिटेल्स अबाउट हाउ टू अप्लाई इंक्लूडिंग सेक्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड गाइडेंस इन कम्प्लीटिंग दिस स्टेटमेंट कैन बी फाउंड उन दिस पर्टिकुलर यहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं ओके okay, अगैन हम वहीं पर कहीं पहुँच जाएंगे रिसर्च प्रपोजल आपको देना है इफ़ इन केस आप पीएचडी के लिए अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं तो गेट्स कैम्ब्रिज रेफरेंस इन एडिशन टू टू अकेडमिक रेफरेंस फॉर एडमिशन गेट्स कैम्ब्रिज एप्लीकेंस को अरेंज करना होगा फॉर सम वन टू सबमिट इस रेफरेंस सेटिंग आउट हाउ दे मीट द स्कॉलरशिप क्राइटेरिया मतलब कि आपको अपने uh, like, रेफरल जैसे कि हम हर जगह पे रेफरल भी आपको देना होता है आपको अपना जो एल ओ आर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या फिर रेफरेंस देना होता है वो आपको यहाँ पर देना है हाओ हु शुड राइट द गेट्स केम्ब्रिज रेफरेंस यू शुड आस्क सम Appropriate standing, who is able to answer the question with authority and who understands the criteria and highly competitive nature of the Gates Cambridge program and academic standards at the University of Cambridge. मतलब जो समझे है उस चीज़ को अकॉर्डिंगली आंसर कर पाए उन क्वेश्चन की विद अथॉरिटी ठीक है बहुत सारे एप्लीकेंट्स आज का करंट और फॉर्मर अकेडेमिक एडवाइजर हु इज अवेयर ऑफ देयर पर्सनल एट्रीब्यूट्स या फिर एक करंट एम्प्लॉयर या फिर सीनियर मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर उन्होंने काम किया है ऑल्लो दिस इज बाई नो मीन्स इन एग्जॉस्टिव लिस्ट सम एप्लीकेंट्स आज वन ऑफ ऑफ देयर टू अकेडमिक रेफरीज टू राइट द गेट्स कैम्ब्रिज रेफरेंस इज फाइन एज लॉन्ग एज दी पर्सन एज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पर्सनल क्वालिटीज मतलब जो आपको अच्छे से जानते हो जिनके साथ आपने काम किया हो जो आपके काम के बारे में आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में आपकी हाउ यू वर्क हाउ यू आर एट वर्क ठीक है कितनी सिंसियरिटी से आप काम करते हैं कितना क्या आपके अंदर क्वालिटीज हैं क्या शायद प, कोई बुरी चीजें हैं सब चीजें जानते हैं उनको आप कर सकते हैं अपने डेफिनेटली अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को आप नहीं बोल सकते कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करने होंगे इट इज़ एसेंशियल दैट द गेट्स कैम्ब्रिज रेफरी इज फुल्ली ब्रीव्ड अबाउट द गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप उनको पूरी तरीके से बताएंगे यूजफुल वन रेफरी यूज स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ हाउ यू मीट द स्कॉलरशिप्स क्राइटेरिया ठीक है ऐसे ही कुछ चीज़ें अप्लाई नाउ के पे लिंक पे जाके आप सीधे डायरेक्टली यहाँ से फिर अप्लाई कर सकते हैं हाउ वी सिलेक्ट तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि हाउ दे सेलेक्ट ठीक है डिपार्टमेंटल नॉमिनेशन पे इंटरव्यू होगा अकॉर्डिंगली ठीक है ईच इंटरव्यू हैज़ फोर मेन सेक्शंस वेलकम इन इंट्रोडक्शन गेट्स कैम्ब्रिज अकेडमिक इन करियर प्लान फाइनल थॉट्स एंड क्वेश्चन इफ़ यू आर नॉट कॉल्ड टू इंटरव्यू तो आपको एक ई मेल पर भेज दिया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है अकॉर्डिंगली आप टाइम लाइक तो देख ही सकते हैं उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी जो भी डिटेल्स हैं अगेन दिस इज़ वन ऑफ दी देखो आप सबको पता है मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ केम्ब्रिज के बारे में या फिर कैम्ब्रिज इस्कॉलरशिप के बारे में या गेट्स के बारे में प्रेस्टिजियस बहुत छोटे शब्द है मुझे लगता है इन सब जगहों के लिए इन जगह पे काम करने के लिए एंड इस तरीके की स्कॉलरशिप्स को पाने के लिए सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ हाईली मोटिवेटेड आपको लगता है कि यू आर मेड फॉर साइंस यू आर मेड फॉर रिसर्च वर्क यू आर मेड टू डू अकेडमिकली वेरी लाइक यू यू नीड टू बी अकेडमिकली वेरी वेरी साउंड तो डेफिनेटली यू शुड भी अपलाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप एंड देर इज़ नो रीज़न नॉट टू अप्लाई फॉर इट Uh, however uh, there are cases when you might feel that you are not suitable you might not fit in the um, uh, b bracket or m you might not be able to uh, get this selection for sure you there is a very probable scenario of you thinking like this but having said that i should be telling you that no matter what don't think any negative thoughts um like don't you you should not be having any negative thoughts in your mind and you should be applying despite like don't think any negative thoughts. This is what my piece of advice to you is and uh, uh you should be applied and like apply first, and then. and apply very like in in a very dedicated manner. don't try to apply light very lightly. don't take take it very lightly because this is one such thing where agar आपको selection hota hai you the, your life will change forever okay तो so, इस चीज को हल्के में नहीं लेके करना हमने अपने, अपने को apply बहुत uh, अच्छी dedication के साथ सोच के लिख के कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं आप कुछ भी doubt है you can let me know in the comment section or maybe telegram ठीक है I'll try to help you for sure but Uh, कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छे खासे रिसर्च के बाद अच्छे से फुल प्रेपरेशन के साथ आप यहाँ अप्लाई करें सो दैट यू डोंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन ठीक है अकेडेमिकली अगर आप साउंड हैं तो डेफिनेटली आप एक दैट्स अब इन सिचुएशन तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए कुछ भी डाउट है आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं ऑल्सो अगर आप वीडियो देख रहे हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल लाइक द वीडियो एंड डिस प्रेस दी आइकन, सो दैट आपको जब भी कोई वीडियोस हो वो मिस नहीं हो मैं अपने से अपलोड करूँ ठीक है तो मेक श्योर आपने ये काम कर दिया है और अप्लाई कीजिए और कुछ भी डाउट होता है तो पूछ लीजिए टेक केयर एडियो विल सी द नेक्स्ट वीडियो वाइज बाय बाय